हेलो फूडीज, वेलकम टू कुक विद लिपि। आज हम लोग भेज मुगलाई पराठा बनाएंगे। ये नाश्ता के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसे नाश्ते के लिए ज़रूर ट्राई करके बनाइए। आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। मुगलाई पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग फटाफट इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी लगता है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगलाई पराठा बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। मुगलाई पराठा बनाने के लिए मैंने एक बारीक काट लिया है, एक प्याज को बारीकी काट लिया है। देखिए मैंने अच्छे से इसको काट लिया है। दोनों छोटा छोटा कैप्सिकम को मैंने काट लिया है बारीकी, और दो गाजर को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, देखिए ग्रेट कर ली हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और लहसुन कुछ लहसुन लिया है उसको छोटा छोटा काट लिया है, और हरा मिर्च लिया है उसको भी काट लिया है। अभी इस सबको हम लोग को थोड़ा, देखिए एक टेबल स्पून हम लोग ऑयल लिए हैं, थोड़ा सा ही इसमें तेल चाहिए हम लोग को इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। देखिए मैं एक पैन ले ली हूँ, उसमें मैं ऑयल डाल लूँगी, और ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ा सा हीट होने देना है, और उसके बाद हम लोग उसको पकाएंगे। आप लोग अगर नाश्ता खाते खाते बोर हो गए हैं तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए। आप लोग को न्यू भी लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है और किसी को भी खिला सकते हैं। देखिए हम लोग जो लहसुन काट के रखे हुए थे उसको डाल देंगे और थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद ही हम लोग इसमें हरी मिर्च जो काट के रखा है उसको भी डाल देंगे। देखिए मैंने वो दूसरा भी डाल दिया है, मिर्च भी डाल दिया है, और उसको भी थोड़ा सा हल्का हम लोग चटकने देंगे, हल्का चटकने देंगे हम लोग, देखिए ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग इसमें हम लोग प्याज डालेंगे। देखिए थोड़ा हम लोग का ये फ्राई होने आ रहा है, अभी हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। जितना भी हम लोग प्याज लिए थे वो प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग को पकाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में भी ये पकते पकते ये पक जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हम लोग को, थोड़ा ही। इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को थोड़ा सा मिलाएंगे, अच्छे से हमें चला लेना है। देखिए प्याज थोड़ा सा पकने के बाद, देखिए प्याज पिंक हो गया। उसके बाद मैंने कैप्सिकम डाला, और कैप्सिकम को डालने के बाद अच्छे से उसको मिला के थोड़ा ही उसको फ्राई करना है, क्योंकि कैप्सिकम को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। उसके बाद ही देखिए थोड़ा सा इसको मिला रही हूँ। उसके बाद हम लोग जो ग्रेट करके गाजर को रखे हुए थे उसको हम लोग डाल देना है, और अच्छे से हम लोग को मिलाना है। गाजर डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा देर ही हम लोग को पकने देना है, जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, प्याज ये सब कुछ एकदम सॉफ्ट हो जाए, और अच्छे से मिला दे इसके बाद। और उसके बाद हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें कम या ज़्यादा। और उसके बाद नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा देर ही पकने दें, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होने तब हम लोग को पकाना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गाजर जो है ग्रेट करके लिए हैं, तो ज़्यादा देरी पकाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए ये कैसे सॉफ्ट होने आ रहा है, देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया है थोड़ा देरी पकने के बाद। हम लोग इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिला, अगर आप लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, तो मैंने कटा हुआ मिर्च लिया हुआ है, इसीलिए मिर्च पाउडर का यूज़ मैं नहीं की हूँ, बस गरम मसाला डाली हुई हूँ। अगर आप लोग को और भी फ्लेवर चाहिए, अगर आप लोग को आमचूर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दीजिए, उसमें टेस्ट बढ़ जाएगा। और अगर नहीं भी चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये पूरा पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। अभी हम लोग लास्ट में हम लोग इसमें पनीर डालेंगे, बिल्कुल ही लास्ट में डालना है पनीर को। देखिए मैंने पूरा ये कर लिया है, मैश कर लिया है, अभी पनीर को डालेंगे।
और पनीर को डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाएंगे हम लोग। सब पनीर डाल देना है और अच्छे से इसको मिला के थोड़ा देर ही पकने देना है। मतलब थोड़ा देर के मिलाने के बाद ही इसको हम लोग का रेडी हो जाएगा। अच्छे से हम लोग मिला देंगे पूरा इसमें। देखिए अच्छे से पूरा मिल चुका है हम लोग का, ये रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। हो गया है, अभी हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए ड्राई हो गया है। अभी देखिए मैं एक प्लेट में इसको निकाल दी हूँ, हम लोग का ये रेडी हो चुका है। और उसके लिए अभी उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके लिए देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। इसके लिए हम लोग को डो बनाने के लिए मैदा चाहिए। मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार हम लोग नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम लोग थोड़ा देरी अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम लोग मिला दिए हैं देखिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी ही मतलब पानी पानी हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही हम लोग को पानी डाल के इसका स्मूथ डो रेडी करना है। ना ही ज़्यादा इसमें पानी डालना है और ना ही ज़्यादा हम लोग को टाइट डो रेडी करना है। देखिए हम लोग का परफेक्ट डो बन के रेडी हो गया है। देखिए हम लोग का डो ना ज़्यादा टाइट बना है और ना ही ज़्यादा स्मूथ बना है, एकदम परफेक्ट डो रेडी हो गया है। अभी एक चकली ले लेंगे और हम लोग इसमें पराठा बेल लेंगे। देखिए हम लोग लेंगे एक लोई बना लेंगे और लोई को अच्छे से गोल करेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। बेलने के लिए आसान होगा क्योंकि मैदा जब हम लोग पराठा रेडी करते हैं ना तो मैदा जो रहता है बहुत खिंचाव करता है, इसीलिए इसको डालने के बाद अच्छे से गोल बेलेंगे हम लोग। गोल गोल बेलेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए देखिए मैंने बेल लिया है। आप लोगों को भी पतला, बिल्कुल पतला बेलना है, ज़्यादा थिकनेस नहीं करना है। अच्छे से इसको बेल लेना है और उसके बाद इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे, ग्रीसिंग करेंगे ताकि हम लोग का पराठा जो है अच्छा लगे। और इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। देखिए अच्छे से डाल देना है। उसके बाद जो हम लोग उसका मसाला के लिए रखे हुए हैं उसको हम लोग स्टफिंग के लिए वो डालेंगे अच्छे से। इसको डालने के बाद हम लोग को कैसा फोल्ड करना है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। मेन इसका यही है कैसे इसको फोल्ड करना है। देखिए मुगलाई पराठा को ऐसे ही फोल्ड करना होता है, ऐसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऑयल ग्रीसिंग कर लेना है और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और उस साइड का भी ऐसे हम लोग फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को हल्के थोड़ा मैदा डाल के हल्के हल्के हाथों से इसको पराठा को हम लोग बेल लेंगे। देखिए इसको हम लोग को चौकन्ना शेप में बेलना है। देखिए हम लोग को थोड़ा सा मैदा डाल के इसको चौकन्ना शेप में हल्के हल्के हाथों में, देखिए शेप इसका आ रहा है कैसे, हल्के हल्के हाथों में आराम से इसको हम लोग चौकन्ना बेल लेंगे। देखिए हम लोग का पराठा मैं बेल ली हूँ। देखिए चौकन्ना हम लोग का रेडी हो चुका है। अभी हम लोग एक साइड तवा हम लोग आप लोग को अगर और भी अलग शेप में डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, मगर मुगलाई पराठा चौकन्ना शेप का होता है इसीलिए मैंने इस शेप का दिखाया है आप लोग को। अगर चाहे तो आप लोग गोल भी बना सकते हैं या फिर ट्रायंगल का भी शेप ले सकते हैं, आप लोग को जो मतलब अच्छा लगे। देखिए हम लोग का रेडी हो चुका है, इसका थिकनेस देख लीजिए हम लोग का परफेक्ट। अभी हम लोग का रेडी हो चुका है। अभी हम लोग में एक तवा को गर्म कर लिया है। अभी हम लोग तवा में गर्म होने के बाद हम लोग इसमें मुगलाई पराठा को डाल देंगे और डालने के बाद इसको हल्का थोड़ा देरी सिकने देंगे। सिकने के बाद इसमें हम लोग ऑयल या बटर या फिर घी, देसी घी आप लोग को जो अच्छा लगे
आप लोग डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसमें बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं, आप लोग का टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। और थोड़ा धीरे इसको गोल्डन होने तक हम लोग को पकाना है, मतलब सीखने देना है। देखिए ये हम लोग का सीख चुका है पूरा, और हम लोग को इसको निकाल देना है इसका। देखिए मैंने निकाल दिया है सारा बना के, वैसे ही मैंने सारा मुगलाई पराठा रेडी कर लिया था और इसको मैंने कट कर लिया है। जैसे प्लस होता है ना, वैसे ही पराठा को कट कर लेना है दोनों साइड से, तो इसका पीस ऐसे निकल जाएगा। देखिए ऐसे ही पीस का होता है, देखिए कितना एक एक करके निकल जा रहा है इसका परत, बहुत पतला सा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है देखिए, और एकदम क्रिस्पी सा, एकदम बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों को खाने में बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसे बना के देखिए। हम मैंने भेज मुगलाई पराठा बनाया है, आप लोग ज़रूर इसे बनाइए और ये सब खा सकते हैं बहुत आसानी से, आप अपने किसी को भी खिला सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा और भी कोई रेसिपी देखना हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के और कौन कौन सा रेसिपी देखना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नया नया वीडियो आप लोग का मनपसंद का ला सकूँ। एंड अगर मेरे चैनल में आप लोग न्यू हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में दिया हुआ बेल आइकन को दबाएं एंड शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।